नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक, बैंगलोर में ओमिक्रॉन का मिला तीसरा मामला। कर्नाटक, सिरदर्द को ठीक करने के लिए स्वयंभू बाबा की पिटाई से महिला की मौत। पार्वती को 2 महीनों से सरदर्द की शिकायत थी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने वरुण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए कमांड अस्पताल का दौरा किया। साइबर अपराधियों से कोई समझौता नहीं, सीएम मुंबई। कर्नाटक में जनरल बिपिन रावत पर अपमानजनक पोस्ट के लिए 2 फेसबुक यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी विधेयक ईसाइयों को निशाना बनाएगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच केरल में सीमा से लगे कर्नाटक के जिलों में हाई अलर्ट। बीबीएमपी जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर नजर रखता है, बीबीएमपी के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बाला सुंदर एएस ने कहा। केरल हाईकोर्ट, धीमी लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाना भी धारा 269 के तहत गलत। शहीद जनरल बिपिन रावत के आखिरी वीडियो ने लोगों को किया भावुक, वीर जवानों को दिया था संदेश। आंध्र प्रदेश में मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला। चंडीगढ़ में भी एक शख्स के संक्रमित होने की पुष्टि। भाईचारे की मिसाल, कुपवाड़ा में शारदा मंदिर के लिए मुस्लिम भाइयों ने दी जमीन, शोध सेंटर भी बनेगा। सिंधु बॉर्डर से 80% किसान घर लौटे, 15 दिसंबर तक खाली हो जाएंगे दिल्ली के बॉर्डर। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच फिर हुई हिंसक झड़प, नाई की कैंची से हुआ हमला, 2 कैदी घायल। टिकरी बॉर्डर के पेट्रोल पंप मालिकों का छलका दर्द, बोले किसान आंदोलन से हुआ 7.5 करोड़ का नुकसान। दिल्ली, मयूर विहार में छात्रों के 2 गुटों में खूनी झड़प, 4 को लगा चाकू, 1 की हालत नाजुक। वाराणसी में पीएम मोदी की अभेद्य रही सुरक्षा, संवेदनशील ठिकानों पर नेवी के कमांडो संभालेंगे मोर्चा। सीतापुर, तालाब में तेज रफ्तार कार गिरने से 3 दोस्तों की मौत, मृतकों में सेना का जवान भी शामिल। यूपी इलेक्शन, आज सपा में शामिल होगा बाहुबली हरिशंकर तिवारी का परिवार, बीजेपी एमएलए भी करेंगे साइकिल की सवारी। बिहार पंचायत चुनाव, वोटिंग से ठीक पहले भिड़े प्रत्याशी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। बिहार कोरोना वैक्सीनेशन, 8 महीने पहले जिस महिला की हुई थी मौत, उसे भी लगा दिया कोरोना वैक्सीन। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत, 2 महीने में मौत की दूसरी घटना। भोपाल, स्कूल में लेट पहुंची टीचर, हेडमास्टर ने पूछा देर से क्यों आई, इतना पूछते ही कर दी पिटाई। सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अपनी संपत्ति को लेकर लड़ रहे कानूनी लड़ाई। उत्तराखंड चुनाव, अल्मोड़ा में टिकट को लेकर कांग्रेस बीजेपी में मचा घमासान। उत्तराखंड, कनाडा के कॉलेज में एडमिशन के चक्कर में गवाए 12 लाख रुपए, वापस मांगने पर मिली रेप केस में फंसाने की धमकी, पुलिस ने इस संबंध में एकेडमी के संचालिका पर केस दर्ज कर लिया है। भिवानी, हरियाणा के भिवानी जिले के लाल वीरेंद्र कौशिक देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, शहीद वीरेंद्र का उनके पैतृक गांव तालू में अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा, प्रेमिका शादी के लिए नहीं मानी तो गोली मारकर की हत्या, खुद भी की आत्महत्या। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में बेरोजगारी को लेकर भड़के युवा, कुर्सियां तोड़ जूते चप्पल भी फेंके। पेट्रोल पंप पर 6 साल नौकरी कर पोस्ट ग्रेजुएट बनी रेखा और रंजना, सपना टीचर बनने का। झारखंड में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, दोनों तरफ से कई घंटे हुई फायरिंग। हिमाचल, सामान्य वर्ग आयोग बनने के बाद शांता कुमार का बयान, बोले खत्म हो जाति आधारित आरक्षण। मंडी, दुल्हन को लेकर वापस लौट रहे बारातियों की कार खाई में गिरी, 1 की मौत, 3 घायल। हिमाचल, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धर्मशाला में गर्जे कर्मचारी, सीएम के समक्ष मांग रखी। इटली के बिशप ने मांगी माफी, बच्चों से कहा था सेंटा क्लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मारिया रेसा ने सोशल मीडिया कंपनियों पर साधा निशाना, कहा ये नफरत फैला रहे हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर, कम पड़े वेंटिलेटर, स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन के हालात। सेंट लुइस में टोर्नेडो का कहर, धस हुई अमेजन गोदाम की छत, 6 की मौत, बढ़ सकती है संख्या। अमेरिका के केंटकी में चक्रवर्ती तूफान से भारी तबाही, अब तक 84 लोगों की मौत। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।